मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सीहोर के कोलार डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। मंत्री सिलावट ने कोलार डैम का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि डैम के ऊपर से निकलने वाले मुख्य मार्ग है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त है। कई जगहों पर डैम के ऊपर से निकलने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। लग रहा है ये मंत्री तो पूरी मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का दावित है कि मध्य प्रदेश बनाए तालाबों की रक्षा की जाए, उसके आने जाने की जो सुरक्षा की दृष्टि से जो डैम में ज़्यादा मुझे सुरक्षा की दृष्टि से जो निर्देश देना जो दिए हैं और ये जल्दी जल्दी पूरे होंगे, सबको अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले दोनों क्यों नहीं किया था, आपने निर्देश दिए उसके बाद क्यों कर रहे थे, पहले क्यों नहीं किया था? एक बात, जब पहले निर्देश दिए तो पूरा हो गया, अब जो आप निर्देश दे रहे हैं जल्दी पूरे हो जाए। ग्वालियर में एक युवक के घर पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। मामला गोले का मंदिर थाना इलाके की पुष्कर कॉलोनी का है। शराब की दुकान पर काम करने वाले युवक के घर कार से सवार होकर बदमाश आए, पत्थरबाजी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित युवक सौरभ तिवारी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। इंदौर नगर निगम का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज बजट पर चर्चा होनी थी, भाजपा पार्षद दल ने विपक्ष से माफी मांगने की मांग की है। कल सदन में कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था, काले कपड़े पहनकर तख्तियों के साथ वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। बिना बहस सभापति ने बजट और प्रस्ताव पास कर दिए। छतरपुर में एक पटवारी का बुजुर्ग किसान से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी राम अवतार कुरेला के हलका में पदस्थ है। कुल भूमि का प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में एक बुजुर्ग किसान से 1000 रुपए की इसने रिश्वत ली। घूसखोरी का ये वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने पटवारी राम अवतार को निलंबित कर दिया है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तबियत बिगड़ गई। हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस के यात्रियों की तबियत खराब होने लगी। औरंगाबाद के 100 से ज्यादा लोग जो अजमेर से लौट रहे थे, रास्ते में ही 25 से ज्यादा की तबियत बिगड़ने लगी। सूचना पर स्टेशन पर कैंप लगाया गया। 16 यात्रियों को सिरदर्द, बुखार, उल्टी की शिकायत थी। इलाज के बाद करीब 15 मिनट की देरी से ट्रेन को रवाना किया गया। पर आकर ट्रेन के आने पर सभी पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। कुल 16 मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें 11 मेल और 5 फीमेल हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त थे। फीवर, कफ कोल्ड, हेडेक, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन के पेशेंट्स ट्रीट किए गए। उल्टी दस्त जैसी कंप्लेंट पेशेंट्स के द्वारा नहीं बताई गई, केवल 2 ही पेशेंट थे जिनके द्वारा लूज मोशन कंप्लेंट किया गया। हम लोगों से बात किया है, उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने नाश्ते में पोहा खाया था, जिसके बाद अधिकांश लोगों को हेडेक और एब्डोमिनल पेन की शिकायत हुई और सभी पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया गया, कोई भी पेशेंट गंभीर नहीं है। जयश्री गायत्री प्रोडक्ट्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईओडब्ल्यू ने यह पूरा छापा मारा है। भोपाल और सीहोर में ईओडब्ल्यू की टीम ने यह कार्रवाई की। सीहोर में फैक्ट्री के अंदर से टीम ने कागजात खंगाले हैं। भोपाल में किशन मोदी जो मालिक है इस फैक्ट्री का, किशन मोदी के घर ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है। डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करती है ये कंपनी और तकरीबन 27 देशों में डेयरी प्रोडक्ट का निर्यात होता है। कागजों में हेर